उद्योगों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार देता है। सेहत उत्पादक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने साफ कर दिया है कि सरकार के समर्थन मूल्य पर कोई भी काश्तकार एक भी दाना भी सेब का सरकारी एजेंसियों को नहीं देगा। उनके अनुसार सरकार की इस घोषणा से बाजार पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उनके अनुसार सेब उत्पादक को इस घोषणा के बाद मार्केट से बेहद कम रेट सेब में मिल रहे हैं। उनके अनुसार 20 रुपए के समर्थन मूल्य में सेब बेचना काश्तकार की मेहनत का मजाक उड़ाना है। एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद उनियाल के अनुसार सरकार और शासन में ऐसे लोग बैठे हैं जो काश्तकारों की समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं। जहां एक ओर सेब उत्पादकों ने 20 रुपए के रेट पर अपना सेब न देने का फैसला किया है, वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि इससे ज्यादा दिया जाना संभव नहीं है। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के अनुसार आपदा के दौरान भारी नुकसान हुआ है, सरकार मदद के तौर पर कुछ मदद तो कर सकती है, लेकिन अगर सोचा जाए कि पूरा नुकसान का भरपाई राज्य सरकार कर दे तो ये संभव नहीं है। गुरुवार को कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल को अपनी ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों के कोप का भाजन बनना पड़ा। क्षेत्र के लोगों ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर बीपीएल कार्ड बनवाए हैं। लगातार प्रदेश भर में बीपीएल कार्ड बनाने की मांग कर रहे लोगों को सरकार से लगातार आश्वासन और अलग अलग तरीकों से समझा बुझा कर टरकाने का काम किया जा रहा है, जिससे खफा लोगों ने अब जनप्रतिनिधियों का घेराव करना शुरू कर दिया है। राजधानी दून के ब्राह्मणवाला क्षेत्र के लोगों ने गुरुवार को प्रदेश के नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल के घर पहुंचकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। क्षेत्र की गरीब महिलाओं ने मंत्री पर लगातार उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया, जो सही मायनों में बीपीएल कार्ड के लिए पात्रता रखते हैं। लोगों ने जब अपने गुस्से का इजहार किया तो मंत्री ने भी तिलमिलाए और उन्होंने यह तय कर डाला कि मुझे वोट की आवश्यकता नहीं है और मत देना मुझे वोट। मंत्री ने लोगों की मांग पर अपना ही राग अलाकते हुए कहा कि प्रदेश में हाल ही में शुरू की गई खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब तबके को सस्ता राशन मुहैया कराया जाना था, जिसके लिए नए कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात की भ्रांति फैली हुई है कि लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। बहरहाल मंत्री के घर पर प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों को भले ही बीपीएल कार्ड बनाने या ना बनाने का कोई आश्वासन मिला हो या ना मिला हो, लेकिन एक चीज तो साफ हो गई है कि चुनाव जीतने के बाद मंत्रियों के दावे भी अब हवाई हो जाते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से जुड़ी फाइल को मंजूरी दे दी है। पूर्व बिलियर्ड्स चैंपियन माइकल फरेरा की अध्यक्षता में बनाई गई समिति द्वारा जिस सूची को अंतिम रूप दिया गया था, उसमें अटकलों के बावजूद कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले से उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है जिनके मुताबिक कयास लगाया जा रहा था कि खेल मंत्रालय निशानेबाज रंजन सिंह सोरी के साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एथलीट कृष्णा पूनिया को भी देने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी को पुरस्कार दिया जा सकता था, इसलिए समिति की सिफारिशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसमें विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड मिला है तो शूटर रंजन सोढ़ी को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की फाइल को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद ये अवार्ड दिए गए। जहां पे क्रिकेटर विराट कोहली को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया तो पीवी सिंधु को भी अर्जुन अवार्ड दिया गया, वहीं रंजन सोढ़ी को खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इससे पहले खेल रत्न को लेकर कई सवाल सामने आ रहे थे कि आखिरकार क्यों कृष्णा पुनिया को खेल रत्न नहीं दिया गया। रंजन सोढ़ी को खेल रत्न देने के बाद कृष्णा पुनिया के नाम पर विराम लग गया है। डबल ट्रैप शूटर रंजन सोढ़ी को खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जबकि 14 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म स्टार जॉन अब्राहम की फिल्म मद्रास कैफे रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई है। दरअसल कुछ तमिल संगठनों ने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल प्रमुख प्रभाकरन को इस फिल्म में बतौर खलनायक दिखाए जाने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी ने मुंबई में प्रदर्शन किया। बीजेपी लिट्टे को आतंकवादी संगठन बताए जाने का विरोध कर रही है। इस फिल्म में प्रभाकरन को बतौर खलनायक दिखाए जाने का आरोप लगाया गया है और विरोध में फिल्म पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की गई है। मद्रास कैफे में जॉन के साथ अभिनेत्री नरगिस फाखरी ब्रिटिश पत्रकार की भूमिका में है। वरिष्ठ टीवी पत्रकार देवांग भी इस फिल्म में नजर आएंगे। 23 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म मद्रास कैफे को लेकर विवाद बढ़ गया है। कुछ तमिल संगठनों ने फिल्म को रिलीज नहीं होने देने की बात कही है। रविवार को चेन्नई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद इन संगठनों ने इसे तमिल विरोधी करार दिया। फिल्म मद्रास कैफे के रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर जाने की वजह से जॉन अब्राहम बेहद दुखी है। ये फिल्म हिट होगी या नहीं ये तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिलीज होने के बाद तय करेगा, लेकिन किसी भी फिल्म का रिलीज होने से पहले विवादों में घिर जाना उसके प्रमोशन के लिए रामबाण की तरह काम करता है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की आने वाली फिल्म धूम 3 ने रिलीज होने से पहले ही धूम मचाना शुरू कर दिया है। इसके सैटेलाइट अधिकार 75 करोड़ में बेचे गए हैं।
बताया जा रहा है कि अर्शाज बैनर तले बनी और विजय कृष्ण आचार्य निर्देशित धूम 3 को टेलीविजन पर दिखाने के लिए फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा को 75 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। ये बॉलीवुड में किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ी राशि है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। इससे पहले शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के सैटेलाइट राइट्स 48 करोड़ में और सलमान की दबंग 2 45 करोड़ में बेचे गए थे। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आइली क्या खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। ए छोटू एक चाय लाना। ए छोटू कोल्ड ड्रिंक। अरे छोटू एक छोटू छोटू दो सिगरेट लाना। छोटू सड़क छाप ढाबों में काम करने वाले बाल मजदूर को आम तौर पर इसी नाम से पुकारा जाता है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे छोटू बाल मजदूरी के शिकार हैं। ये ऐसे पढ़े लिखे लोगों के लिए काम करते हैं जो कि बाल मजदूरी पर ध्यान नहीं देते हैं। कॉरपोरेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी तो ऐसे बच्चों को अपनी कंपनी के आसपास रोज देखते हैं, लेकिन वे इन बच्चों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं। तो आखिर हम कॉरपोरेट भारत का ध्यान इस तरफ कैसे आकर्षित करते हैं? हमने कैसे छोटू की पहचान की जो कि एक कॉरपोरेट कंपनी के कर्मचारियों को रोजाना चाय पहुंचाया करता था। इसके बाद हमने छोटू को छोटू चाय वाले से छोटू सीईओ में बदल दिया और उसे ठीक उसी कॉरपोरेट कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया। इसके बाद कंपनी के सीईओ ने छोटू का परिचय अपने दफ्तर के कर्मचारियों से करवाया। उन्होंने बाल मजदूरी के दुष्परिणामों और इसके रोकथाम के तरीकों के बारे में भी उन्हें बताया। इसके बाद छोटू ने अपना विजिटिंग कार्ड बांटा। कॉरपोरेट इंडिया ने पहली बार इस समस्या पर गौर किया और इसके रोकथाम के लिए पहल करने का निश्चय किया। सेव द चिल्ड्रेन इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर बाल मजदूरी की सूचना देने वाली 350 फोन कॉल्स आए। हमने इस गतिविधि को कई दूसरे कॉरपोरेट ऑफिसों में भी दोहराया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई। एक छोटू सीईओ ने कई दूसरे छोटों को सड़क छाप जिंदगी से बाहर निकालने में मदद की। उसने इन बच्चों को उनका असली नाम और जिंदगी
दोबारा हासिल करने का एक मौका दिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अमन गिल। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी सरकार और बीएसपी में आरपार का ऐलान। सरकार ने कहा नहीं होने देंगे परिक्रमा, पीछे हटने पर तैयार नहीं बीएसपी। 6 जिलों में धारा 144 लागू। परिक्रमा को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी को नहीं बनने देंगे गुजरात, संतों को ढाल बनाकर फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। नरेंद्र मोदी यूपी में भरेंगे हुंकार, 2 अक्टूबर को यूपी में करेंगे पहली रैली, मथुरा में करेंगे जनसभा को संबोधित। आसाराम के समर्थन में आई बीजेपी, उमा भारती ने दी क्लीन चिट, कहा सोनिया राहुल के विरोध की मिल रही सजा। चमोली के आपदाग्रस्त इलाकों में सीएम बहुगुणा का दौरा, थराली देवाल और गोविंद घाट के हालात का लिया जायजा, कहा आपदा के पैसों को लोन में काटने पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा हुए स्वामी सानंद, कोर्ट ने बिना पर्सनल बॉन्ड और जमानत के किया रिहा। गंगा के लिए अनशन कर रहे सानंद को 1 अगस्त को कनकल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। रामपुर में रेप में नाकाम होने पर बदमाशों ने तेजाब से जलाकर ली विधवा की जान, 1 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी के ऑफिस में लूट, बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटा 3 करोड़ का सोना। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 9 और मासूमों समेत 10 लोगों की मौत। मासूमों की बढ़ती मौत के बाद भी सो रहा स्वास्थ्य महकमा। और अरुणाचल प्रदेश में चीन में फिर की घुसपैठ, लद्दाख में 20 किलोमीटर तक भीतर घुसे चीनी सैनिक, भारतीय जवानों के विरोध के बाद 4 दिन बाद वापस लौटे चीनी। कहते हैं राजनीति में घटनाओं और उनकी तारीखों के बहुत मायने होते हैं, कहा तो ये भी जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। उत्तर प्रदेश अपने लगभग 24 साल पुराने इतिहास को दोहराने की दहलीज पर फिर से खड़ा है। अयोध्या में अस्तित्व और वर्चस्व का टकराव शुरू हुए कई दशक बीत चुके हैं। इस टकराव का अब तक का नतीजा ये है कि दूषित राजनीति से हवा मिलने के बाद सालों से दबी आक्रोशित हिंदू भावनाओं ने विवादित ढांचे को जमींदोज कर दिया है और रामलला अब एक कपड़े के टेंट में हैं। बहरहाल अब वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर आपसे रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का वादा किया जाए। किंतु हमारा देश, हमारी संस्कृति और धर्म आज भी पराधीन है और उसके मुक्त करने के लिए हमको जितने बड़े आंदोलन देश की स्वतंत्रता के लिए हमको स्वराज के लिए चलाने पड़े, उससे 10 गुना बड़ा आंदोलन हमको अपनी संस्कृति और धर्म के लिए चलाना पड़ेगा। इसकी रणनीति चाहे गुजरात में बनी हो, चाहे दिल्ली में या नागपुर में, लेकिन शंखनाद अभी हाल ही में इलाहाबाद में हुए कुंभ में हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन उससे पहले पहला कदम भाजपा ने जो बढ़ाया वो कल्याण सिंह को अपने पाले में लाने का था, जिसमें वो सफल हुई। कल्याण ने भी देर से ही सही अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिराए जाने की बात को स्वीकृति दे दी। दूसरा कदम भाजपा ने राजनाथ की ताजपोशी दोबारा करके उत्तर प्रदेश को एक बार फिर अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया। और जब संतों ने कुंभ में इस तयशुदा रणनीति का शंखनाद किया तो राजनाथ ने भी कह दिया कि देश की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। 84 कोसी परिक्रमा की रणनीति भी वहीं तय हो चुकी थी। यात्रा भले पारंपरिक हो लेकिन उद्देश्य राजनैतिक नजर आता है कि प्रयागराज महाकुंभ के समय
धर्माचार्यों की जो धर्म संसद थी उस धर्म संसद में तय हुए थे कार्यक्रम जो तय हुए थे ये कार्यक्रम उसके अनुरूप है। कुंभ में तय हुई रणनीति को अमलीजामा पहनाने का वक्त अब 2014 के चुनाव को देखते हुए बहुत कम था। वहीं भाजपा के सामने भी दो चुनौतियां थी, पहली भारतीय जनता पार्टी को अपनी हिंदुत्व की छवि वापस पाना, दूसरा उत्तर प्रदेश में मृत पड़ चुके अपने कार्यकर्ताओं में दोबारा से जान फूंकना। बहरहाल नरेंद्र मोदी अपने प्रायोजित कार्यक्रम के बावजूद भी कुंभ में भले न पहुंचे हों, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी रामलहर को सामने करके जिस हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर दिल्ली का सपना देख रही है उसकी कमान